एल्विश यादव और अंजलि के बीच में पिछले कुछ दिनों में आप जानते ही हैं कि किस तरीके से ट्विटर पर एक बैंटर जो है फन बैंटर सा देखने को मिला था। लेकिन अब अंजलि ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उससे एल्विश के बारे में पूछा गया। दरअसल उससे कहा गया कि जब एल्विश का नाम बोला जाता है तो आपके दिमाग में एक वन वर्ड क्या आता है, तो अंजलि ने कहा सिस्टम। जिसके बाद उनसे कहा गया कि आपको अभी लगता है जो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जिस पर अंजलि ने कहा कि देखो ही इज़ अ वेरी गुड मैन, बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ है, जल्दी से बाहर आ जाए मैं तो यही उम्मीद करती हूँ, लेकिन जब ऊपर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं रिलेट कर सकती हूँ कि जब हमें फेम मिल रहा होता है, हम फेमस हो रहे होते हैं, ऊपर जा रहे होते हैं, तो लोग हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हमारे हाथ पर बंधे होते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। आई विश कि वो जल्दी से बाहर आ जाए। मुझे मिला था, एक DMF का शूट था, मुझसे सामने से आके मिला था वो, और मैं पहली बार ही उसे फेस टू फेस मिल रही थी। बहुत ही रिस्पेक्टफुल उसने मेरे साथ बात की थी, बहुत ही अच्छे से बात करता है वो मुझे नहीं लगता कि पार्ट हो सकता है, लेकिन पता नहीं कैसे फंस गया, कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन बस मैं इतना कहूँगी कि मीडिया जो कहती है उसकी हर बात पर विश्वास मत करो, कई बार वो मसाला लगा के भी खबर बताती है। तो अंजलि ने ये बात जो है कही है एल्विश पर, तो एक बात तो तय है कि खुद अंजलि को लगता है कि एल्विश ऐसा जो है नहीं कर सकता है, और उस पे लगे हुए इल्ज़ाम जो हैं वो उसमें फंसा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उसका हिस्सा होगा। तो इस तरीके से अब अंजलि जो है वो एल्विश को सपोर्ट करती नजर आई है। तो आप क्या कहेंगे इस पर, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं।